जनपद संभल के चंदोसी में शासन के आदेश पर नगर पालिका परिषद के अस्थायी कार्यालय गांधी पार्क में दीपावली मेले का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनामिका यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष संभल चंद्रपाल सिंह उर्फ पप्पू चौधरी, नीलेश यादव अध्यक्षा, इंदुरानी राजकुमार अधिशासी अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर सभी सम्मानित अतिथियों व पत्रकारों का अध्यक्षा इंदुरानी व अधिशासी अधिकारी राजकुमार द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। इसके उपरांत नुक्कड़ सभा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सतीश अरोड़ा के द्वारा किया गया। ये साहब, नगर पालिका में आपने मेला लगाया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? शासन की मंशा के अनुरूप 8 तारीख से दिनांक 3-4 तक जो है 3-4 नवंबर दीपावली के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सभी हमारे स्ट्रीट वेंडर जो हैं इनको जो है दुकानें यहाँ अलाट की गई है और इनके प्रोत्साहन के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आज इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का मंचन था, इसके साथ साथ कवि सम्मेलन भी है। कल इसका जो है पुनः जो है नुक्कड़ नाटक है और ड्रेस कॉम्पिटिशन है, मेहंदी प्रतियोगिता है। इस तरह के 28-29-30 तक कार्यक्रम चलेगा और ये मेला 4 तारीख तक चलता रहेगा। ये दुकानें लगाई हैं, इसका कोई किराया जमा होगा या? कोई भी किराया नहीं है, एकदम निःशुल्क है और इसमें खास तौर पे पटरी पे बेचने वाले विक्रेताओं को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया है कि इन्हें जो है थोड़ा सा इनके व्यापार को प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है उसे जो है और जो है इम्प्रूव किया जाए। कितने तारीख तक चलेगा ये मेला? ये 4 तारीख तक चलेगा। 4 तारीख तक मेला चलेगा। चंदौसी नगर पालिका की तरफ से दीपावली मेला लगाया गया है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और हमारी केंद्र सरकार है भारत उत्तर प्रदेश सरकार आज 75 आज़ादी के 75वें वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मना रही है। अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, सभी त्यौहार अच्छे से मनाए जा रहे हैं। अब दीपावली के शुभ अवसर पर, क्योंकि दीपावली प्रकाश का अवसर है, प्रकाश का त्यौहार है, प्रकाश करेंगे, दीपोत्सव करेंगे, दीप जला करके मन के आपके मन के प्रकाश को भी आपको उजागर करना है और मन साफ रखना है। और इस दीपावली के मेले में हम ऐसी दुकानें भी लगा रहे हैं, साथ में ये मेला लगातार 3 तारीख तक लगेगा। इसमें 3 दिन हमारे लगातार कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हमारे ये हमारा ये उद्देश्य होगा कि ऐसा संदेश जाए कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है और सरकार के बारे में आदमी व्यक्ति जो आम जन व्यक्ति है उसको क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उससे संबंधित भी दुकानें होंगी और अनेक संदेश आएंगे। और क्योंकि आज प्राचीन कला प्राचीन संस्कृति को हमारी को सब भूलते जा रहे हैं, तो एक हमारी सरकार का ये भी उद्देश्य है, हम सबका उद्देश्य ये भी है, हम अपनी परंपराओं को अपने त्यौहारों को ना भूलें और मिलजुल कर परंपराओं को जिंदा रखने का ये एक साधन है। क्योंकि सभी पूरे भारत में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, विदेशों में भी त्यौहार मना रहे हैं, तो आज हम क्यों ना मनाएं। तो हमारी प्रदेश की गाइडलाइन थी, इसके अनुसार ये मेला लगाया जा रहा है और मैं सभी से आग्रह करती हूँ, चंदौसी की जनता से भी ये आग्रह करती हूँ कि सभी लोग आएँ, मेले का उत्सव का उनको हर्षोल्लास के साथ उसका लाभ उठाएं और सभी लोग मिलकर के आके एंजॉय करें और दीपावली को सबको बहुत दीपावली के अवसर पर सभी को अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।